हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपल सिंह और हम लोग कक्षा 5 में बैठे हुए हैं और ये हमारे कक्षा 5 के प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये घंटी हमारी एक्टिविटी की है। इसमें हम लोग स्टोरी सुनते हैं, तो स्टोरी सुनाते हैं हम आपको विवेकानंद जी की। एक देखिए, विवेकानंद जी की भी परिस्थिति काफ़ी ख़राब थी, लेकिन वो हमारे देश का परचम विदेश में लहराए। तो एक बार की बात है कि वो एक अंग्रेज़ के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। अंग्रेज़ कांटे चम्मच का यूज़ कर रहा था और ये अपने हाथ से खा रहे थे। वहीं पर अंग्रेज़ बोलता है कि तुम देसी गंवार लोग गंदे हाथों से खाना खाते हो, हम साफ़ सुथरे चम्मच से खाते हैं, कब तुम आगे बढ़ोगे, कब सुधरोगे। तो इस पर विवेकानंद जी ने कहा कि आपका चम्मच कई बार उपयोग में लाया जाता है, ये होटल रेस्टोरेंट का चम्मच कई बार धोया जाता है, कई बार लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है, पर हमारा हाथ सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही धोया जाता है। हम अपने लिए धोते हैं और अपने लिए ही उपयोग में लाते हैं, पर ये चम्मच कई बार धोया जाता है और कई बार उपयोग में लाया जाता है दूसरों के लिए। तो इसलिए आपके चम्मच की अपेक्षा हमारा हाथ ज़्यादा साफ है। क्या बोलते हैं, क्या साफ है, चम्मच या आपका हाथ? तो हाथ से खाना कोई बेइज्जती है? बिल्कुल। दो पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा दुख देखा नहीं जा सकता, तुम्हारा दर्द सहा नहीं जा सकता, ये टूटे फर्श फटी चटाइयाँ तुम्हारे कामयाबी के बीच आए ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। परिस्थिति हमारी तरफ रहेगी, जैसे विवेकानंद जी ने परचम लहराया वैसे ही हम भी क्या करेंगे, अपने कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। बोलिए, गाड़ेंगे नहीं गाड़ेंगे?